को अस्सलामुअलैकुम। कौम की ताकत नस्ल जवा है, देश की इज्जत नस्ल जवा है, आंख का तारा दिल का सहारा, बाजुए हिम्मत नस्ल जवा है, शायद यही है विरसा हमारा, अपनी हिम्मत नस्ल जवा है। सदर जी चश्म, आज मुझे इस ऐवान में जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया गया है वो मौजू है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमसे मुराद आज की नस्ल, वो नस्ल जो किसी भी कौम के लिए एक रीढ़ की हड्डी बल्कि शहरक की हैसियत रखती है, कि यही नौजवान अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और हमवतनों की खुशहाली में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। अली वकार, दुनिया में जितनी भी कौमें बावकार और इमदादी जमाने से बरसरी बेकार हैं उनमें से नस्ल नौ हरावल दस्ते का काम देती है, इसीलिए नौजवान को अपनी कौम का रोशन मुस्तकबिल और जगमगाता हुआ कल कहा जाता है, कि यही हाल और माजी कसबन हमारा, कि हर नौजवान है हसी कल हमारा। सिवकार, मेरी मुकद्दस अर्ज़ पाक ऐसे बेशुमार बहादुर निडर और बाहिम्मत नौजवानों से सरशार है जिन्होंने अपने मुल्क पर आने वाली हर मुश्किलात आजमाइश और मसाइलों में चाकू चौबंद रहकर इस मुकद्दस मिट्टी के मान को परवान चढ़ाया। वो चाहे 1965 में BRB के मकाम पर मौजूद मेरे फौजी नौजवान हो या एमएम आलम जैसे बहादुर पायलट जिन्होंने दुश्मन को फिजा में नाखूनों चले जगवा दिए। अली वकार, वो चाहे 16 साल राशिद मिन्हाज शहीद ही क्यों ना हो या आर्मी पब्लिक स्कूल के वो तलबा जिन्होंने अपने फूल जैसे जिस्मों को शहादत जैसे जज्बे पर कुर्बान किया और तारीख अपने नाम कर ली, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि दिल से निकलेगी न मर कर फिर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वफा आएगी। सामईने कराम, इस कारवां में गोल्ड मेडलिस्ट नसीम हमीद की तेज रफ्तारी और इन जैसे और मायानास काबिले फखर हस्तियां अपने मुल्क के नाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिखा रहे हैं। अली वकार, पाकिस्तान का सातवीं आलमी ताकत बनकर जो मकाम हासिल किया वो इस बात का अंतिया है कि पाकिस्तान का नौजवान किसी से पीछे नहीं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में वसाइल को बरोए कार लाकर अपना किरदार अदा कर रहा है। जैसे अरफा करीम जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर का आर्मी रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान को बावकार मुकाम दिलवाया, इसी तरह पाकिस्तान की बीवी आयशा ने भी जंगी लड़ाकर तैयारा उड़ाकर पाकिस्तान की पहली जंगी लेडी पायलट होने का एहसास हासिल किया। सीवकार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों में काबिलियत आज भी मौजूद है जो इस मुल्क को सफे अव्वल के ममालिक में ला खड़ा कर दे, क्योंकि जर्रा जर्रा जुड़े तो हम है चट्टान, धड़कन धड़कन मिले तो हम है तूफान, हम है सिद्दीक की सच्चाई, हम है उमर का जलाल, हम है तारीख का बाजू, हाँ हम है टीपू की तलवार, कि हम है पानियाने पाकिस्तान की औलाद, हाँ हम है पानियाने पाकिस्तान की औलाद। आप सबकी समाहतों का शुक्रिया।